हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और मैं रेडी हो गई हूँ पार्लर के लिए जाने के लिए। जो नए आए हैं उनको बता देती हूँ कि मेरा ब्यूटी पार्लर है और मैं वहाँ जाने की तैयारी में हूँ। तो गाइस, अभी बजे हैं 10:15 और आज मुझे इतना लेट क्यों हो गया पता है? क्योंकि ना आज मैराथन है तो रोड सारे क्लोज है, तो इसलिए मैंने वो सोचा कि जल्दी करके कोई फ़ायदा नहीं है, रोड तो बंद है, तो थोड़ा 10 बजे रोड चालू हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम आराम से कर रही थी। तो मैंने आज काम में क्या किया मैं आपको बता देती हूँ। मॉर्निंग में मुझे कितने दिन से वो काम करना है पर मेरा रह ही जाता है। मुझे कबोर्ड अरेंज करना है क्योंकि अतिथि आ रही है और उसका भी पूरा कबोर्ड मुझे सिस्टमेटिक करके रखना है ताकि वो अपने कपड़े उसमें रख सके। और मेरा कबोर्ड भी, मेरे सारे पुराने कपड़े ना कबोर्ड के अंदर, वार्डरोब के अंदर सारे पुराने कपड़े, और नए कपड़े सारे बाहर, क्योंकि नए कपड़े रखने को जगह ही नहीं है। तो पुराने कपड़े जो मैं पहनती नहीं हूँ उसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। एक ही मतलब एक ड्रॉर मैंने साफ किया है, मतलब एक खंड बोलते हैं ना, वो मैंने साफ किया है और उसमें से सारा, बहुत सारा दुपट्टा का कलेक्शन था। और अब मैं आजकल दुपट्टे बाइक चला, मतलब स्कूटी लेके जाती हूँ तो दुपट्टे नहीं पहनती हूँ क्योंकि दुपट्टे यहाँ वहाँ उलझने का टेंशन रहता है। तो इसलिए मैंने वो सारे दुपट्टे एक पोटली बनाई है और उसमें बांध दिए हैं और कपड़े सब निकाल लिए। बहुत से कपड़े तो गाइज ऐसे थे ना जो मैंने एक बार भी नहीं पहने, लाके रख दिया और फिर वो ध्यान में से उतर जाता है। सुबह 10 बजे भागती हूँ, रात को 10 बजे आती हूँ, तो ये सब करने को टाइम नहीं रहता। मैं जो जो बाहर रहता है ना उसको ही यूज़ करती रहती हूँ। तो वो थोड़े 4-5 ड्रेस मुझे मिले हैं, वो मैंने निकाल लिए हैं और अब मुझे ना सारा ड्रेसेस का नया कलेक्शन लाना है, पुराने सब निकाल देने हैं और नया कलेक्शन लाना है। इसलिए मैंने सारा पोटली बना के रख दिया है। अब उसको मैं स्टोर रूम में रख दूंगी और फिर कैसे डिस्कार्ड करना है वो मैं सोचूंगी, क्या करूँ क्या ना करूँ, किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ या, क्योंकि गाइस कपड़े ऐसे पुराने भी नहीं हैं, अच्छे ही हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है, पर मुझे पार्लर पे जाना रहता है तो पार्लर पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक ही जाना पड़ता है, इसलिए मुझे वो सारे कपड़े अब डिस्कार्ड कर देने हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। तो गाइस ये देखिए, मैंने ये थोड़े से कपड़े निकाल लिए हैं जो अच्छे अच्छे हैं, जो मुझे पसंद है वो सब मैंने निकाल लिए हैं। ये वाली कुर्ती ना गाइस, ये वाली कुर्ती मैंने एक बार भी नहीं पहनी है और अच्छी है ये, तो इसको भी मैंने निकाल लिए हैं। अब ये सारा वापस से वॉश होगा, आयन होगा और फिर मैं स्टार्ट करूँगी पहनने का। और मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए मैंने ये पूरा दुपट्टे की पोटली बांध ली है और ये ड्रेसेस की पोटली बांध ली है। एक ड्रॉर मेरा साफ हुआ है इसमें ही। तो गाइस इस तरह से मैं सारे ड्रॉर सब साफ सफाई करूँगी, पर पता नहीं कितने दिन से सोच रही हूँ कब साफ सफाई होगा मेरा, पता नहीं। और इस तरह से ये मेरे सारे नए कपड़े इसी तरह से बाहर पड़े थे तो अब मुझे उसको भी अरेंज करना है। तो गाइस रात को करना पड़ेगा, पर मैं रात को इतना थक जाती हूँ ना तो बस सोने का टाइम हो जाता है। तो गाइस मैं कितने दिन से सोच रही हूँ कि मैं मेरा काम पूरा करूँ, काम पूरा करूँ, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है काम। बस आज मैंने सिर्फ एक ही ड्रॉअर साफ किया है और उसमें से भी बस सारे कपड़े निकाले, पोटली बांध के रखी है। अब उसको भी मुझे डिस्कार्ड करना है, करूँ तो क्या करूँ। और सुबह 10 बजे तो जाने का रहता है गाइस, 7 बजे उठो और फिर 10 तो फटाफट बज जाते, 10 क्या, मुझे तो 9:30 को ही निकलना होता है। तो आज मेरी बहन आ रही है मम्मी के यहाँ, तो अगर हो सका, अगर मैं लंच करने गई वहाँ पे तो मैं आपको उससे मिलवाऊंगी, और नहीं तो वो पार्लर पे आएगी तो वहीं पे मैं आपको मेरी बड़ी बहन से मिलवाऊंगी। ओके गाइस, तो चलिए अब निकलती हूँ पार्लर पे, और मैराथन की वजह से रास्ता बंद है तो जल्दी जाके कोई फ़ायदा नहीं था, तो पीछे के रास्ते से शायद जाना पड़ेगा अभी भी। तो ये 6-6 महीने में मैराथन आ जाता है ना, मुझे बहुत परेशानी होती है, रोड बंद हो जाता है। तो गाइस चलिए चलती हूँ, कहीं से भी रास्ता बना के पहुँचती हूँ पार्लर पे और वहाँ जाके आपसे मिलती हूँ। और हाँ गाइस, कल मैं लाइव गई थी तो बस
कुछ लोग जुड़े मेरे साथ और अच्छा लगा। मुझे लाइव जाना बहुत पसंद है, पर मुझे ऐसे लगता है ना गाइस, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए और मेरे लाइव में भी बहुत सारे लोग मुझसे जॉइंट हो, इतना कि मैं मैसेज पढ़ते पढ़ते मतलब मैसेज पढ़ भी ना पाऊँ, इतने सारे लोग ज्वाइन हो। तो गाइस, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, मेरे लाइव में ज्वाइन होइए। मैं हर सैटरडे लाइव आती हूँ और दिल करा तो संडे को भी आ जाती हूँ। जिस तरह से मेरा नेटपैक मुझे साथ देता है, उस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। तो गाइस, अब मैं पार्लर पे निकल रही हूँ और पार्लर पे कल होगा ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स का वीडियो शूट होगा। तो अब मैं सोचूंगी कि कल मुझे क्या शूट करना है। और गाइज, आपको कुछ सीखना है ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स में तो आप मुझे बताइए। अब तक मेरे 4 वीडियो हुए हैं, उसमें वैक्स हुआ है, थ्रेडिंग हुआ है, सिंपल मेकअप हुआ है और हेयर कटिंग हुआ है। तो आपको स्पेशली क्या सीखना है वो मुझे बताइए। अभी मैं बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, तो आगे आगे मैं एडवांस भी आपको सब सिखाऊंगी। ओके गाइज, तो चलिए। और आपको कुछ स्पेशली सीखना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई ट्रीटमेंट के बारे में पूछना है, हेयर फॉल हो रहे हैं तो उसके बारे में पूछना है, आप मुझसे सब कुछ पूछ सकते हैं। गाइज, मैं कोशिश करूंगी आपको सब कुछ बताने की, मतलब जितना मुझे आता है वो मैं बताऊंगी आपको, और नहीं भी आता है तो मैं सर्च करूंगी और बताऊंगी गाइज। और कहीं तो भी ना कुछ तो भी गड़बड़ है मेरे सेटिंग में या पता नहीं, क्योंकि है ना, हाँ, मेरे 6,500 सब्सक्राइबर है और पता नहीं उन सबको नोटिफिकेशन जाता है कि नहीं मेरे वीडियो का, वो मुझे पता नहीं है। पर मैंने देखा दूसरों के, जिनके 2,000-2,500 सब्सक्राइबर है ना गाइस, उनको भी 6,000-7,000 व्यूज आते हैं। हाँ, मेरे वीडियो पे भी है 10,000-20,000, 6 लाख व्यूज भी है मेरे एक स्कूटी वाले वीडियो पे। पर गाइस, बस उतना ही। अब मैं जो डालती हूँ ना, तो मेरे व्यूज 300-200 इस तरह से आ रहे। तो इसलिए ना, मुझे लगता है कुछ तो भी सेटिंग करनी चाहिए, या क्या पता नहीं कुछ, मतलब उसमें मेरा प्रॉब्लम है कि क्या पता नहीं व्यू क्यों नहीं आ रहे हैं। पर फिर भी मेरी कोशिश पूरी तरह से चालू है और आप लोग से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाइस, आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए, और जो भी नया आया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। चलिए, मेरे ब्लॉग्स आप नहीं देखना चाहते ना देखें, लेकिन आप ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स तो देखिए गाइस। मैं मोस्टली ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ कुछ बताती रहती हूँ, तो जो भी मेरे लेडीज फ्रेंड्स हैं और इवन सारे बॉयज और जेंट्स फ्रेंड्स भी अपना वो भी हैंडसम दिखना चाहते हैं, तो आप भी मैं जो बताती हूँ वो घर पे कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब मैं निकलती हूँ पार्लर के लिए। और आज मुझे खाना नहीं बनाने का था, क्योंकि आज मम्मी नहीं आने वाली है, तो इसलिए मुझे आज थोड़ा आराम था। और गाइस, ये अभी मार्गशीर्ष महीना चालू हो गया है, नेक्स्ट गुरुवार को पूजा होगी। और आप में से कौन कौन मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार करते हैं बताइए मुझे, और कीजिए गाइस, ना करते हो ना तो भी कीजिए। घर में थोड़ा सा हम पूजा पाठ करें ना, ओकेजन के हिसाब से करें तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है, तो मुझे तो अच्छा आता है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत टेंशन आ जाता है कि आउट ऑफ वे मुझे वो काम करना पड़ता है। जैसे अब मैं निकलती हूँ 9:45 बजे तक, पर अब मुझे पूजा करनी है तो मेरे पास थोड़ा टाइम चाहिए। वो बुक पढ़नी है मार्गशीर्ष महीने की, मतलब गुरुवार की जो, तो वो सब मुझे भगवान को सजाना है, सब कुछ करना है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो वो पूरा टाइम एडजस्ट करने में थोड़ा सा घबराहट मची रहती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। बाय बाय, मिलते हैं आगे। ये मैराथन अभी पूरा हो गया है और सब लोग अब अपने अपने घर जाने की तैयारी में हैं।
मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखा दूं। तो गाइस अभी मैं पहुंची हूँ पार्लर पे और बज गए हैं 11:15 और रास्ते में इतना ट्रैफिक के ना पूछो बात। मुझे सामने से क्रॉस करके यहाँ स्कूटी लेके आने को भी 10 से 15 मिनट लग गए। तो गाइस और लंबे से कहाँ कहाँ से लोग बसेस भर भर के आए थे। तो थोड़ा सा मैंने आपके लिए मैराथन का शूट कर लिया। वो जो मतलब मुझे लेट हो गया ना, वो लोग सब जा रहे थे। एक्चुअली मुझे मॉर्निंग में ही जाना चाहिए था, पर मॉर्निंग में सारे रास्ते बंद हैं तो मैंने सोचा घर का थोड़ा काम कर लूँ। तो गाइस इस तरह से हर 6 महीने में यहाँ पे मैराथन होती है। और दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब रात रात से आते हैं। और इसके लिए कितनी प्रिपरेशन चलती रहती है। सारे रोड एकदम दुल्हन की तरह सज जाते हैं। सारा जो कलर मारने का रहता है, येलो और ब्लैक पट्टे, व्हाइट कलर का जो सब, वो पूरा मतलब विरार अच्छे से साफ सब सुथरा हो जाता है, अच्छा लगता है। तो गाइस इस तरह से भले हमें एक दिन परेशानी हो, पर मैराथन होगी तो थोड़ा सा साफ सफाई एकदम नीट क्लीन अच्छा हो जाता है। और कलर वगैरह लग जाता है रोड पे, सारे फुटपाथ पे उस पर सारा कलर लग जाता है, तो रोड अच्छे लगते हैं और बहुत क्लीननेस हो जाता है। तो गाइस मिलिए साक्षी से। हेलो। और अभी वो मुझे लंच के लिए बुलाने को आई है, पर पार्लर पे आज कोई नहीं है और एक अभी फेशियल के लिए आने वाली है लेडी, तो वो आएगी ही दोपहर तक। 3 बजे का टाइम बोली है, पर वो कभी भी आ सकती है, तो इसलिए मैं जाती हूँ। मेरा थोड़ा सा लंच थोड़ा सा खा लेती हूँ, साक्षी तब तक यहाँ पे बैठेगी और मैं थोड़ा खा के आती हूँ। तो गाइस मिलते हैं लंच के बाद, या मैं देखती हूँ लंच में क्या बना है, मैं आपको दिखा दूँगी। दाल बाटी बना है तो मैं आपको दिखा दूँगी। साक्षी से आप पहले भी मिल चुके हो, साक्षी हॉस्टल में रहती है और अभी आई है छुट्टियों में। तो गाइस चलिए चलते हैं लंच करने। तो गाइस ये बनी है बाटी, दाल बाटी बनी है और बैंगन की सब्जी। तो थाली लग गई है और बाटी के मजे ले रहे हैं। तो गाइस ये है बाटी का कुकर और इसमें इस तरह से बाटी गैस पे रख देते हैं और इस तरह से बाटी सिकती रहती है। अभी ये गर्म रहे इसके लिए इसको ढक के रखे हैं, कुकर बहुत गर्म है गाइस। तो इस तरह से इसमें बाटी बन जाती है और फिर उसको घी में डुबाते हैं और फिर इस तरह से बाटी को घी में डुबाते हैं। और ये देखिए इस तरह से घी में डुबा के फिर इसको अलग से निकाल के रख देते हैं और खाने में दाल के साथ बहुत टेस्टी लगती है गाइस। देखिए गाइस ये है मेरी बहन, जो मैंने बोला आपको भांडुप से आई है, जिनकी हाउस वार्मिंग पार्टी में हम लोग गए थे ना, वो वाली बहन है। अभी बोल हाय। ये मेरी बड़ी बहन है। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे और आपने देखा मैंने बाटी वाटी बनाई कैसे, मतलब पार्टी बनाई थी तो शालिनी ने और मम्मी ने मिलके, पर मैंने थोड़ा सा आपको शूट करके दिखाया तो आपने देखा बाटी कैसे बनती है। और गाइस कल रात को भी हमने वही खाना खाया क्योंकि बाटी है ना, एक बार बनाते हैं तो बहुत सारी बन जाती है, तो रात को भी वही खाना खाया। मैं नहीं खाने वाली थी पर ज़बरदस्ती शालिनी और मम्मी इन लोग ने बोला कि खा ले, क्योंकि खाना खाने के बाद ना इतनी ठंडी में बाइक चला के आने को होता नहीं है स्कूटी चला के। तो पर फिर भी मुझे भी बोरिंग हो रहा था तो मैं बैठ गई वहाँ पर और हम लोग देख रहे थे पिक्चर शुभ मंगल सावधान। पिक्चर बहुत अच्छा है गाइज, इतना मस्त मज़ा आया मुझे। स्टार्टिंग में ही आधा देखा, अब मैं आधा थोड़ा बाकी है तो मैं मोबाइल में डाउनलोड करके देख लूँगी।
मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, पर गाइस टाइम जरा भी नहीं मिलता है, सच में बोलूँ टाइम नहीं मिलता है, टाइम कम पड़ता है मेरे लिए। कल तो पूरा दिन क्लाइंट थे, और एक मस्त क्लाइंट आई थी पेडिक्योर करवाने के लिए, और कल ना क्लासेस वाले कोई स्टूडेंट नहीं रहते ना, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो पेडिक्योर करने के लिए एक अच्छी क्लाइंट आई थी, उसने मुझे बहुत सारा नॉलेज दिया बाहर जाने के लिए, मतलब मुझे अतिथि को वापस से बाहर भेजना है, ये एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद। तो उसने बहुत सारा नॉलेज दिया, उसने अपना किस तरह से फैमिली वीज़ा करवाया वो सब उसने पूरा मुझे डिटेल में बताया। तो वो क्लाइंट से मिलकर बहुत खुशी, कम से कम उसने 2 घंटा मेरे पास बिताया, और मैं, मेरी बहन साक्षी, हम सब बैठे थे और हमारा पूरा डिस्कशन चल रहा था, और उस बीच में क्लाइंट आ रहे थे, पर उसकी बातें हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और बहुत बहुत अच्छी लेडी थी, मुझे अच्छा लगा। अगर वो लेडी मेरा ये देख रही है ना वीडियो, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। ऐसे मुझे बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन फिर भी ये वाला नॉलेज जो उसने मुझे दिया ना, वो नहीं था मेरे पास, तो अच्छा लगा, और उसे भी अच्छा लगा, वो भी बहुत इंटरेस्ट लेके हमसे बात कर रही थी। तो गाइस यही सब कल हुआ शाम को, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई शाम को, तो और बहन आ गई थी 4-5 बजे से पार्लर पे, फिर हम लोग ने कॉफ़ी पिया, थोड़ा सा पॉपकॉर्न खाया, और फिर बाद में रात को देर तक वो क्लाइंट के साथ बातें की, और उसके बाद घर गए, और घर जाके वही खाना खाया, मम्मी के घर गए, घर जाके मम्मी के यहाँ खाना खाया, और पिक्चर देखा, मूवी देखा, बहुत अच्छा लगा वो पिक्चर, और बस रात को आके मैं 11 बजे घर पहुंची। उसके बाद थोड़ा सा मैंने अतिथि से बात किया, और उसके बाद थोड़ा वीडियो डाउनलोड किए थे वो देखने थे, तो वो देखने बैठी, पर फिर बहुत नींद आ रही थी, तो फिर मैं सो गई, जाने दो, अब मैंने सोचा वीडियो नहीं देखती। और गाइज मुझे बहुत पसीना हो रहा है, क्योंकि मैं फ़ैन चालू करूँगी ना, तो बहुत आवाज़ आएगा, वॉल्यूम इसमें वीडियो में आ जाएगा, और नहा के अब भी निकली हो ना, तो बहुत पसीना हो रहा है, तो और निकलने की घाई रहती ना, तो इतना जल्दी जल्दी तैयारी करते, तो उसमें ऐसे ही होता रहता है। तो गाइज ये ऐसे चल रही है मेरी लाइफ, और अब आज है मंडे, तो आज से फिर से नई शुरुआत। बच्चे आ जाएंगे प्ले स्कूल के मॉर्निंग में, अभी जाऊंगी पार्लर पे, अभी जाऊंगी पहले पार्लर पे, बाइक रखूंगी, और उसके बाद मम्मी को लूंगी, मम्मी को पिक करूंगी, बहन भी अभी जाने की तैयारी कर रही होगी, तो वो भी जाएगी उसके घर, तो फिर मम्मी को वहां से पिक कर लेंगे, बहन से थोड़ा सा मिल लूंगी, बाय शाय कर देंगे, और वापस जल्दी आने के लिए बोल देंगे, और फिर पार्लर पे जाएंगे, पार्लर पे बच्चे आएंगे, और मेरे बच्चों में, आपने मेरे आगे के वीडियोस देखे ना, बच्चों में मुझे कृषा, सारे बच्चे मुझे बहुत पसंद है, एक को भी मैं बोल नहीं सकती ये मुझे ज़्यादा पसंद है, ये मुझे कम पसंद है, पर एक्टिवनेस में कृषा बहुत एक्टिव है, छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो कैसे करती है, आज ब्लू है, पानी पानी पानी, इतना अच्छा नाचती है पूछो मत, 2 साल की बच्ची है। तो गाइस फिर उसके बाद 12:30 बजे बच्चे चले जाएंगे प्ले स्कूल के, और फिर बाद में क्लास वाले आ जाएंगे पार्लर के लिए 2 बजे से। तो गाइस देखती हूँ आज ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स में मैं कुछ करवाती हूँ कि नहीं, एक वीडियो शूट करना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे मैंने गैप ले लिया है, तो देखते हैं एक आधा वीडियो शूट होता है कि नहीं, मेरे और स्टूडेंट के मूड पर डिपेंड है कि कैसे होगा। और गाइस मूड अच्छा हो तो वीडियो अच्छे से शूट होता है ना, आपने मेरा हेयर कटिंग का वीडियो देखा ना, मूड अच्छा था तो कितना अच्छा कटिंग किया मैंने, मुझे भी खुद को भी अच्छा लगा। और बस गाइस ऐसे ही चलता रहता है, और इसी तरह से आज के दिन की शुरुआत हुई है, पर मैं मेरा व्लॉग आज यहीं पे एंड कर रही हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम मिलते रहेंगे इसी तरह बार बार लगातार। ओके गाइस, तो चलिए अब निकल रही हूँ पार्लर के लिए, बाय बाय।
लव यू गाइज़।